हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो ब्रेकर का हम लोग पूरा ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मेक जो है L&T का है और इसके नेम प्लेट के बारे में यहाँ पे क्या क्या लिखा है, इसका मीन्स क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक देखिएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एयर सर्किट ब्रेकर है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AC भी बोला जाता है। ये हम लोग का एक फीडर है, जो कि ये PCC पैनल है, ठीक है। PCC पैनल का हम लोग ये फीडर हो गया। ये देखिए MCC 11 पे यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा MCC पैनल लगा हुआ है। तो यहाँ पे ना यहाँ से एक एक MCC पैनल में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। हम लोग ये मेन सर्किट ब्रेकर हो गया, इसको हैंडल बोला जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, जो कि ब्रेकर में स्प्रिंग चार्ज मोटर रहता है, उसको मैनुअली चार्ज करने के लिए, ठीक है, इसको हैंडल बोला जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रेड वाला एक बटन है और यहाँ पे ग्रीन वाला एक बटन है, जो ब्रेकर इसको ट्रिप करवाने के लिए, और ये जो क्लोज वाला है ब्रेकर को क्लोज करने के लिए। जब हम लोग इसको हैंडल को स्प्रिंग को चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद हम लोग ब्रेकर को क्लोज करेंगे, उसका इससे हम लोग ट्रिप करेंगे। हालांकि यहाँ पे TNC भी है, TNC भी हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ट्रिपिंग क्लोज कर सकते हैं। अगर TNC काम नहीं करता, हम लोग मैनुअल भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जब ब्रेकर ऑन हो जाएगा, यहाँ पे ऑन इंडिकेशन आता है। देखिए अब ये ब्रेकर ऑन कंडीशन पे, इसलिए अभी ऑन इंडिकेशन आ रहा है। येलो कलर मीन्स हो गया जो स्प्रिंग है अब ये चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये जो ब्रेकर है, यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रेकर है, ब्रेकर को हम लोग बाहर करते हैं और अंदर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दो ब्रेकर आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे वो वाला ब्रेकर बाहर है, ठीक है, और ये वाला ब्रेकर अंदर है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग इसमें ना एक हैंडल आता है, ठीक है, इससे हम लोग रैक इन करते हैं और रैक आउट करते हैं, ओके। यहाँ पे देखिए इंडिकेशन दिया हुआ है, जब हम लोग ऊपर साइड घुमाएंगे तो ब्रेकर अंदर जाएगा, अगर नीचे साइड घूमेंगे तो ब्रेकर बाहर आएगा। वह इंडिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा है आइसोलेटेड और सर्विस और टेस्ट। अभी देखिए अभी जो ब्रेकर जो है ऑन कंडीशन पे है, अभी रनिंग कंडीशन पे, यहाँ पे इसलिए सर्विस पोजीशन आ रहा है। जब हम लोग ब्रेकर को पूरा अंदर कर देंगे, यहाँ पे अंदर पे एक देख सकते हैं जो ऑरेंज कलर का एक नव है, वो ना नीचे साइड आ जाता है, ठीक है। जब सर्विस पोजीशन पे आ जाएगा, दैट मीन्स ये ब्रेकर है ये अंदर चला गया है, अंदर जाने का हम लोग इसको ऑन कर सकते हैं, ओके। और आइसोलेट पोजीशन में क्या आएगा, जब जो ब्रेकर है पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। जब हम लोग इसको पूरा बाहर कर देंगे तब यहाँ पे आइसोलेट पोजीशन पे ये नव जो आ जाता है। यहाँ पे एक ब्रेकर जो बाहर है, इसमें आप लोग को दिखाते हैं, हाँ, इस पे देख सकते हैं आइसोलेट पोजीशन पे अब ये आ रहा है, ठीक है। यह मतलब ये ब्रेकर देखिए ये बाहर है, ठीक ना। और एक पोजीशन यहाँ पे है टेस्ट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट पोजीशन है। टेस्ट पोजीशन कब आता है, जब हम लोग को ब्रेकर को मतलब टेस्ट करना है, चेक करना है, जब मेंटेनेंस हो गया अभी हम लोग इसको थोड़ा ऑन करके चेक करना है, ऑन हो रहा है कि नहीं, इसका जो अंदर का जो सर्किट है कंट्रोलिंग सर्किट ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट जो है कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा, ओनली ब्रेकर क्लोज होगा और यहाँ से सप्लाई MCC में नहीं जाएगा, तो वो टेस्ट पोजीशन हो गया। यहाँ पे जो देख सकते हैं ये वाला जो है, यहाँ पे हैंडल हम लोग घुसा के रखते हैं, अभी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका मीनिंग क्या क्या होता है। IN मतलब नॉमिनल करंट, इसका जो ब्रेकर मतलब कितना करंट सह सकता है, ठीक है। ये 800 एम्पियर, दैट मीन्स ये हो गया, जो ये जो ब्रेकर जो डिजाइन किया गया है 800 के एम्प्स के हिसाब से डिजाइन किया गया है, मतलब 800 एम्प्स इससे आराम से फ्लो हो सकता है, ब्रेकर को कुछ नुकसान नहीं होगा, इसका जो कॉन्टैक्ट है अंदर का जो पार्ट्स है कुछ भी खराब नहीं होगा। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं UE, दैट मीन्स ये वोल्टेज हो गया, ठीक है, 415 वोल्टेज और 50 और 60 हर्ट्ज़ पे ये चल सकता है। यहाँ पे उसके बाद देख सकते हैं ICU, ये जो हो गया अल्टीमेट ब्रेकिंग कैपेसिटी। ये क्या होता है, ये जब ये ब्रेकर शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होने के बाद आप लोगों को पता होगा जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस कंडीशन में बहुत ही हाई अमाउंट एम्पियर फ्लो होता है, 50,000 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ किलो एम्पियर पे दिया हुआ है 50 किलो एम्पियर, ओके, दैट मीन्स जब ये शॉर्ट सर्किट होगा तो अगर 50 किलो एम्पियर तक अगर ये शॉर्ट सर्किट करंट जाएगा, ब्रेकर कुछ नहीं होगा, अंदर का जो इतना भी पार्ट्स है कॉन्टैक्ट्स है कुछ फॉल्ट कुछ भी डैमेज नहीं होगा, ओके। ICU का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं ICS, ICS मीन्स क्या हो गया, सर्विस कैपेसिटी, ओके। अभी देखिए अभी जो L&T जो मैन्युफैक्चरर्स है, ये तो 50 किलो एम्पियर पे डिजाइन कर दिया है, डिजाइन करने के बाद वो लोग खुद से
टेस्ट करता है 50 किलो एम्पियर देके ब्रेकर को टेस्ट किया जाता है ये 50 किलो एम्पियर तक सह सकता है कि नहीं, इसका कैपेसिटी कितना है, कितना तक ये सह सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है सर्विस कैपेसिटी, ठीक है। डिजाइन होने के बाद उन लोग इसके यहाँ पे टेस्ट करते हैं 50 किलो एम्पियर देके, ठीक है। तो ICS ये हो गया, उसको सर्विस कैपेसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ICW विथस्टैंड कैपेसिटी, ठीक है। विथस्टैंड कैपेसिटी शॉर्ट सर्किट करंट ऐसा भी इसको बोला जाता है। तो जो विथस्टैंड कैपेसिटी है ये भी 50 किलो एम्पियर है। ये जो ब्रेकर है जब शॉर्ट सर्किट होगा तो 50 किलो एम्पियर तक ये जाएगा, लेकिन कितना टाइम तक ये मतलब स्टैंड कर पाएगा, मतलब कितना टाइम तक ये 50 किलो एम्पियर ये पास कर पाएगा, वो है ओनली फॉर 1 सेकेंड तक। अगर 1 सेकेंड से ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकर अंदर से डैमेज हो सकता है, इसका जो कॉन्टैक्ट है ये खराब हो सकता है, ठीक है। तो ICU हो गया हम लोगों का शॉर्ट सर्किट करंट, ICS हो गया टेस्टिंग जो सर्विस है, डिजाइन करने के बाद इसको टेस्ट किया जाता है, और विथस्टैंड मतलब कितना टाइम के लिए ये ब्रेकर करंट पास करवा सकता है जो कि शॉर्ट सर्किट करंट है, इसके मतलब हो गया ICW फॉर 1 सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। और ये यूटिलाइजेशन कैटेगरी बी है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो सिंबल है, सिंबल दिया हुआ है सर्किट ब्रेकर का सिंबल, और यहाँ पे देखिए ICS ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इसके सिद्धांत पर ब्रेकर को डिजाइन किया गया है, और इसका मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं CNCS 800H1। आशा करता आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो एयर सर्किट ब्रेकर है उसका नेम प्लेट के बारे में और इसका ओवरव्यू के बारे में। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।